परीक्षा के लिए तैयार है श्रीमान। कमांडर अरुण कुमार मेहता इन्फॉर्मिंग द प्राइम मिनिस्टर दैट द गार्ड इज रेडी फॉर इंस्पेक्शन एंड रिक्वेस्टिंग हिम टू डू द इंस्पेक्शन एंड वंस। तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना तीनही दलाकडून आता गार्ड ऑफ ऑनर दिला जातोय। स्लो मार्च यंदाच्या स्वातंत्र्य दिनाची थीम आहे ती म्हणजे विकसित भारत। थल सेना, नौसेना और वायुसेना और दिल्ली पुलिस के एक एक अधिकारी और 24 जवान शामिल हैं। The inspection of the Guard of Honor complete, the Prime Minister will now move towards the ramparts of the Red Fort, passing through the Lahore Gate, or the Lahori Gate as it is used in common parlance. The flag hoisting ceremony, in fact, at the ramparts of the Red Fort, and then the Prime Minister's address to the nation on the high point today's celebration here. प्रवेश करतील। 78व्या स्वातंत्र्य दिनाचा उत्साह जो आहे तो आज देशभरात पाहायला मिळतोय। यंदाच्या स्वातंत्र्य दिनाची थीम आहे ती म्हणजे विकसित भारत। देशाच्या स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षासह 2047 पर्यंत देशाला विकसित भारत बनवण्याच्या दृष्टिकोनातून ही थीम जी आहे ती ठेवण्यात आली आहे। भारत का निरीक्षण करने के बाद अब प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर की ओर अग्रसर, विशाल और भव्य लाहौरी गेट से गुजरते हुए प्रवेश के लिए, इसमें एक काठ का पुल है। लाहौरी गेट 41 फीट ऊंचा और 24 फीट चौड़ा, ऊंचा मेहराबदार दरवाजा, दरवाजे की तीन मंजिलें, और यहां से प्रवेश करने के बाद प्राचीर पर पहुंचने के लिए सीढ़ियां हैं, और अब तो यहां विशिष्ट व्यक्तियों के लिए लिफ्ट भी है। शाहजहां ने जब लाल किला बनवाया था तब यहां ये प्राचीर नहीं थी, इसे बाद में औरंगजेब ने बनवाया। इसी दरवाजे के ऊपर प्राचीर पर पहली बार सन 1947 में भारत का राष्ट्रीय ध्वज, हमारा प्यारा तिरंगा फहराया गया था 16 अगस्त 1947 को। The school children awaiting the arrival.